आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इसरो एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है GSLV F10 EOS-03। इस वीडियो में हम समझेंगे इसरो जो है ये कब लॉन्च करेगा, क्यों लॉन्च करेगा और ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो इस साल का ये दूसरा लॉन्च होने वाला है। इससे पहले फरवरी में इसरो ने ब्राजील की सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था Amazonia 1 और उसके साथ 18 अदर सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी। तो ये इस साल का दूसरा लॉन्च होने वाला है। तो GSLV F10 का जो लॉन्च डेट रखा गया है वो है 12 अगस्त 2021 और जिसका जो लॉन्चिंग टाइम है वो है 0543 IST पे। ये अभी भी डिपेंडेंट है वेदर पे, अगर वेदर में कुछ भी चेंज होता है तो इस लॉन्च को पोस्टपोन करना पड़ेगा। इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो ये एक 14 फ्लाइट होने वाली है GSLV के लिए और इसमें जो नई बात ये होने वाली है कि 4 मीटर का जो है इसका एक OGIF पेलोड जो इसमें यूज किया जा रहा है और ये GSLV में पहली बार होगा कि इस टाइप का, इस शेप का जो है पेलोड यूज किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं EOS की। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा GSLV F10 के द्वारा और इसे प्लेस करना है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो इसे फाइनली हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचने के लिए इसमें हम ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये सैटेलाइट हमें किस तरह से यूजफुल होने वाली है, तो कुछ पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए। तो ये सैटेलाइट रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है नेचुरल डिजास्टर का, जैसे कि फ्लड हो गया और साइक्लोन हो गए, इस टाइप के जो भी नेचुरल डिजास्टर हैं ये सैटेलाइट उसका पता लगा सकती है और साथ ही साथ हम इसे इम्पैक्ट भी दे सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा लॉस हुआ है। और ये कुछ और भी चीजें मॉनिटर कर सकती है जैसे कि वाटर बॉडीज मॉनिटर कर सकती है कि जो बाढ़ आया है वो कितने एरिया में आया है, क्रॉप और वेजिटेशन कंडीशन को भी मॉनिटर कर सकती है। तो फॉरेस्ट में जैसे चेंज हो रहे हैं या फिर आपने अगर 10 मीटर पेड़ काट दिया तो ये पता लगा सकती है कि हाँ यहाँ पे पेड़ कम हुए हैं या फिर यहाँ पे पेड़ ज्यादा हुए हैं। तो इससे जो है छोटी छोटी जो चीजों का जो डिफरेंस है वो भी हम देख पाएंगे। तो राज्यसभा में जितेंद्र सिंह ने बोला, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ये जो सैटेलाइट है वो 4 से 5 बार जो है इंडिया की मैपिंग कर सकता है, वो भी एक दिन में, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, वो चाहे एरोस्पेस हो, डिफेंस हो या फिर साइंस फिक्शन के रिलेटेड हो, मैं हर टॉपिक पे जो है वो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।